हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि वैद्युत धारिता का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, प्रेरित आवेश कैसे उत्पन्न होता है, संधारित्र पढ़ा, संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने, और उसके बाद उनके संयोजन भी देखे, उपयोग भी देख लिए थे, मतलब कंप्लीट थियरी हम लोगों ने कर ली थी। और अब हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि बोर्ड के जो पिछले साल के न्यूमेरिकल हैं वो कौन कौन से न्यूमेरिकल बोर्ड ने पूछे हैं, उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो कहा है इन्होंने पहला कि गोलाकार चालक की त्रिज्या दे रखी है, तो हम यहां लिख लेते हैं जो जो दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है मतलब दिया गया त्रिज्या दे रखी है, तो आर इज इक्वल टू दिया है 9 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम बदल लेते हैं -2 से मीटर में बदल लिया। फिर कह रहे हैं इसकी वैद्युत धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए, सी और क्यू का मान बताना है, कह रहे हैं जिसका वोल्टेज दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसकी धारिता निकाल लेते हैं। तो यहां एक गोलाकार चालक का मतलब है ये विलगित होगा, विलगित होगा, और विलगित होगा तो क्या होगा, इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता हुआ करती थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a, या आर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम सी निकालें यहां से तो क्या बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹, 1/ में लिखेंगे क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर लिखा गया है। त्रिज्या ए है या आर है, तो त्रिज्या है 9 × 10⁻²। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, बाकी चीजों को यहां लिख लेते हैं। तो सी बराबर क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 10⁻¹⁹ तो इतने फैरड आ जाएगी हमारे पास धारिता। तो धारिता हम लोगों ने निकाल ली यहां से। अब हमारा कंसर्न ये है कि हम यहां से निकालना क्या चाहते हैं, निकालना चाहते हैं आवेश। तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लास में कि जो सी होता है वो क्या होता है, क्यू बटा वी होता है, या फिर हम यूं कह लें परिभाषा से कि क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। तो हम आवेश निकालना चाहते हैं, तो आवेश निकाल सकते हैं यहां से, क्या निकल के आ रहा होगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी यहां पर सी है, सी है 10⁻¹⁰ फैरड इंटू वी की वैल्यू कहा गया है 1000 वोल्ट तक इसे किया गया, 1000 वोल्ट का मतलब 10³ वोल्ट लिख सकते हैं हम इसे। तो यहां से क्यों जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 10⁻¹⁸ कूलाम। तो ये था पहला क्वेश्चन विलगित गोलीय चालक की धारिता से, या कह सकते हैं पृथक गोलीय चालक की धारिता से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सी निकाल लिया, सी की वैल्यू क्या होती, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a या r, और वहां से हम लोगों ने फार्मूला लगाया क्यू बराबर cv, और देखा क्यू कितना था, तो 10⁻¹⁸ कूलाम निकल के आया। तो ये हो गया हमारा आंसर, और देखा जाए तो ये वाला भी हमारा आंसर हो जाएगा, तो दो आंसर आएंगे, ठीक है। और अगर इनको खुद ही ट्राई करना चाहते हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाते हैं वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर इनके आंसर्स देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो गोलीय चालक हैं, यहां पर हम इनको फटाफट बना लेते हैं। दो गोलीय चालक हैं, ये एक पहला गोलीय चालक हो गया, एक दूसरा गोलीय चालक है। इनको क्या कहा गया है, इनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी है R1 है, इसकी त्रिज्या कितनी है R2 है, हो गया। इनके आवेश दे रखे हैं हमें, तो इस पर आवेश कितना है Q1 है, और इस पर आवेश कितना दिया गया है Q2 है। या दोनों आवेशों को चित्रानुसार तांबे के तार से जोड़ दिया जाए, तो चित्र हम बना ही रहे हैं यहां पर, तो तांबे के तार से ऐसे जोड़ दिया गया है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से जोड़ दिया गया इन्हें तांबे के तार से। तो ये तांबे का तार है, तांबे का तार है ये, तांबे के तार के साथ इन्हें जोड़ दिया गया। तो अगर तांबे के तार के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इनके विभव क्या होंगे, उभयनिष्ठ विभव यहां पर उत्पन्न हो जाएगा, मतलब दोनों के विभव बराबर बराबर हो जाएंगे, इनके मध्य जो विभव होगा वो बराबर हो जाएगा। कह रहे हैं कि निकालना है हमें कि धारिताएं कि मतलब इसकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी निकल के आ रही होगी। तो ऐसे समझ लेते हैं पृथक गोलीय चालक था, ये पृथक गोलीय चालक था, तो अगर इसकी धारिता लिखें हम लोग अभी लिखा है C1 लिखें, तो वो क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और अगर इस C2 की धारिता लिखी जाए तो क्या बन जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 बन जाएगी। अब देखें तो इनके विभव हो गए हैं समान, मतलब इनके मध्य जो विभवांतर है वो हो गया है नियत। मतलब क्या है, मतलब ये है विभव अगर समान होते हैं तो ये कैसे जुड़े होंगे, समांतर में हो गए, तो समांतर में जुड़े होने की वजह से हम यहां क्या लिख देंगे, यहां हम लोग लिख सकते हैं जो तुल्य धारिता निकल के आ रही होगी संयोजन की। तो तुल्य धारिता अगर हम लिखें यहां से तो हम लिख सकते हैं सी तुल्य बराबर, यहां से लिखा जा सकता समांतर में, हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं C1 + C2, तो C1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 + यहां हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हम कॉमन ले लेंगे,
यहां बच जाएगा R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगी C तुल्य, तो ये तुल्य धारिता हो गई हमारे पास। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। तो दो चालक थे, अलग अलग चालक थे, एक R1 रेडियस थी, उसकी R2 थी, इसको Q1 आवेश दिया गया, Q2 आवेश दिया, कह रहे तांबे से जोड़, तार से जोड़ दिया गया, तो तांबे के तार से जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनमें विभव क्या होगा, समान हो जाएगा। तो विभव समान होगा, जिनके विभव समान होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे और निकाल लेंगे कि सी तुल्य क्या निकल के आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहे हैं एक आवेशित वायु संधारित्र में जिसकी ऊर्जा जो संचय है पहले से वो कितना दिया गया है, वो कह रहे हैं यू नॉट संचित थी ऊर्जा वायु में जब रखा गया था। तो अगर हम संधारित्र यहां पर बनाएं, दोनों प्लेटें फटाफट बना लेते हैं, ये प्लेट बना लिया, ये प्लेट बना लिया, इसके ऊपर प्लस क्यों होता है, इसके ऊपर माइनस क्यों होता है, ये प्लस हो गया और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच की दूरी डी ले लेते हैं, तो हमने पढ़ा था वायु में जब रखा जाता है तो वायु, या फिर हम इसे लिख देते हैं यू नॉट, इन्होंने लिखा है नोटेशन दे रखा वायु में, तो ये क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाता है हाफ, हाफ लिख देंगे, यहां पर लिखा जाएगा सी इंटू में क्या लिखते हैं वी का स्क्वायर, अगर इनके मध्य विभव वी लिखा गया होगा, ठीक है, ये वायु का हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक की पट्टी रखी जाती है जिसका परावैद्युतांक के लिखा गया है, तो क्या हुआ, संधारित्र वही है, संधारित्र वही है, इस पर भी आवेश कितना था, क्यों था, माइनस क्यों था, इनके बीच में एक परावैद्य पदार्थ पूरी तरह से भर दिया गया जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। तो इन्होंने कहा अब क्या होगा, तो यहां से हम देखेंगे कि जो संधारित्र होता है उनकी प्लेटों के बीच की दूरी अभी भी वही है, परावैद्युत पट्टिका रखी गई, तो हम यहां से देखेंगे जो विभव होगा वो कितना हो चुका होगा, तो विभव हो जाएगा, विभव लिखा जाता है वी बराबर ई इंटू डी, तो E हो जाता है E नॉट बाई के इंटू डी, तो D रहेगा, ऐसा होगा विभव लिखा जाएगा। अगर हम संधारित्र की धारिता लिखें तो क्या लिखी जाएगी, Q डिवाइडेड बाई में लिखते हैं हम V, Q बराबर सी वी होता है, तो Q की वैल्यू यहां पर Q लिखी जाएगी और V की वैल्यू लिखी जाए तो कितना लिखा जा सकता है, इसको अगर हम आगे एक्सपेंड करें तो इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू कितना होता है, E की वैल्यू लिखी जाती है Q डिवाइडेड बाई, यहां पर लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट और के लिखा ही गया है, इनटू में हो जाएगा डी, यहां वैल्यू रख देते हैं तो ये बन जाएगा क्यू इनटू डी, और यहां पर लिखा जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिखा जाएगा। यहां से देखो क्यों से क्यों कैंसिल हो रहा है, तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई डी मिल जाएगा। तो धारिता कितनी हो गई, सी टाइम्स हो गई, पहले धारिता अगर सी नॉट थी तो अब हो गया सी, और सी क्या है, सी टाइम, सी की वैल्यू हो जाएगी के, मतलब यहां पर के इंटू सी नॉट हो जाएगा। हम अगर हम यहां से लिखें यू की वैल्यू क्या आएगी बाद वाले, तो उसे लिखा जाएगा हाफ सी, सी की वैल्यू क्या हो गई है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी हो गई है, इंटू में के हो गया है, और खासकर यहां दूसरा देखें तो वी की वैल्यू क्या हो गई, तो वी की वैल्यू हो गई है पहले जितना v था उसका 1 बाई के टाइम्स हो गया है, तो पहले अगर मान लेते हैं विभव v था तो वो हो गया v बाई के, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है क्योंकि हाफ cv स्क्वायर होता है, तो u की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, हाफ, जहां आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, और ये बन जाएगा देखो v स्क्वायर, तो यहां पर हम लिख देते हैं v स्क्वायर बाहर की तरफ, और ये k है, यहां k स्क्वायर बनेगा, तो ये 1 बाई के टाइम्स इधर रह जाएगा, बनेगा। अब देखते हैं यहां पर अगर हम लिख देते हैं हाफ c की वैल्यू लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d, वायु में रखे गए थे, यहां पर था v स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसके बराबर थी, u नॉट के बराबर थी, तो यहां भी देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, u नॉट के बराबर लिखा है, 1 अपॉन k लिखा हुआ है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा u इज इक्वल टू, यहां बन जाएगा u नॉट और डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, k बन जाएगा ऐसा, तो ये दोनों में संबंध निकल के आएगा, यहां से हम देख सकते हैं इसे। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 100 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया, कह रहे हैं संचित ऊर्जा होगी, बताओ कितनी, तो निकाल लेते हैं क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने दे रखा है वी, लिख देते हैं इधर, दिया है, दिया क्या है, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट दे रखा है। कह रहे हैं संचित ऊर्जा बताओ, संधारित्र की धारिता कितनी दे रखी है, 100 माइक्रोफेरड, हमने देखा था माइक्रोफेरड क्या होता है, 10 की घात -6,
तो 100 हो जाएगा गुणे 10 की घात, अगर हम -6 लिखेंगे तो ये फैरड बनेगा, और अगर इसे ठीक से लिखेंगे तो 10 की घात ये 2 है और ये -6 है, तो बन जाएगा 10 की घात -4 फैरड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या कह रहे हैं, संचित ऊर्जा निकालो। तो सी दिया गया, वी दिया गया है, कौन सा फार्मूला काम करेगा यहां पर, तो लगा देंगे यहां से यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी वी स्क्वायर लिख देते हैं, हाफ हो गया। सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10 की घात -4 बन जाएगी, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो वी की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। देख लेते हैं क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 1/2, 10 की घात बन जाएगा -4, और ये बन जाएगा 10 की घात 2। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी बनने वाली है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे 100 लिखेंगे, 100 का आधा करेंगे तो बन जाएगा 50, तो ये बन जाएगा 50 × 10 की घात -4, या यूं कह लें कि 5 × 10 की घात -3 जूल। ध्यान रखेंगे ये ऊर्जा निकल के आएगी, तो ये आंसर हो जाएगा 5/10 की घात -3 जूल। हाफ सी वी स्क्वायर से लग रहा था ये क्वेश्चन, 2016 का था। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्या कह रहे हैं, एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड पहले से दी गई है। क्या दिया है, यहां लिख लेते हैं, दिया है सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोफेरेड। हम जानते हैं 1 माइक्रोफेरेड में कितना होता है, 10 की घात -6 फेरेड हो गया। कह रहे हैं त्रिज्या बताओ, गोलीय चालक है तो पृथक गोलीय चालक मानकर अगर हम त्रिज्या निकालें तो सी का फार्मूला होता है 4π ε0 a, त्रिज्या हो गई, तो उसकी त्रिज्या ही बतानी, तो एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी, C/4π ε0। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/4π ε0 * इधर सी लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू या त्रिज्या यहां लिख देते हैं एक बार हम, कि ये त्रिज्या है, या आर लिख लेते हैं जैसा लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा 9 × 10 की घात 9, और सी की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, तो वो है 10 की घात -6, तो ये बन जाएगा 9 × 10 की घात कितना बनेगा, तो +3 बन जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 किलोमीटर या इतने मीटर। तो इस तरह से लगाया जा सकता पृथक गोलीय चालक की धारिता से सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहा जा रहा है n समरूप संधारित जिसमें प्रत्येक संधारित की धारिता सी है, श्रेणी समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, विभव V तक आवेशित किया जाएगा। तो यहां अगर देखा जाए कि अगर n संधारित्रों को जोड़ेंगे तो C तुल्य जो होता था संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने से, तो वो होता था C1 + C2 + C3 + ... ऐसे चलता था। तो अगर हम यहां लिखेंगे C + C + C + ... n पदों तक चलता रहेगा ये, तो अगर किसी संख्या को n पदों तक चलाना है तो वो n इंटू सी गुणा हो जाता है उसका, तो जो c तुल्य निकल के आएगा हमारे पास वो क्या होगा, n इंटू सी हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है v विभव दिया गया है, कुल समायोजन की ऊर्जा निकालो, तो ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ऊर्जा का फार्मूला होता है U = ½ C V² होता है, c याद रखेंगे तुल्य होता है, तो यहां बन जाएगा हाफ, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू सी, यहां बन जाएगा V स्क्वायर, ये हो जाएगी उस समायोजन की ऊर्जा। अगर V वोल्ट दिया गया होगा, विभवांतर तो समांतर में है, विभवांतर तो समान ही होगा, इस तरह से ऊर्जा लिखी जा सकती, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या दिया गया है। इन्होंने कहा एक समांतर प्लेट संधारित की प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है, तो प्लेटों का क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया है, दिया है प्लेट क्षेत्रफल ऐसे लिखा जाता है, वो दिया है 50 cm², तो अगर सेंटीमीटर लिखा है तो हम इसे -2 लिखेंगे तो बनेगा -4 m², ऐसा लिख लिया, या इसको ठीक से लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 5 × 10 की घात कितना लिखा जाएगा, 4 है, एक कम होगा, -3 m² बन जाएगा। और क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ई की वैल्यू, तो हम यहां ई की वैल्यू लिख देते हैं, ई कितना दिया है, 75 N/c दिया है। कह रहे हैं प्लेट पर कितना आवेश होगा, तो हम जानते हैं ई जो होता है प्लेटों के मध्य संधारित्र की, वो कितना होता है, Q/A ε0 होता है कुल, तो ई की वैल्यू यहां लिखी जाएगी, या ऐसे क्यू की वैल्यू लिख देते हैं, तो E × A × ε0 बन जाएगा। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू हमारे पास लिखी है 75, ए की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 की घात -3 बन जाएगा, ठीक है, और गुणा करा लेंगे हम इसे ε0 से, तो वो होता है 8.85 × 10⁻¹ बन जाएगा -12। तो क्यों की वैल्यू ओवरऑल कितनी निकल के आएगी, तो हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 5 ये हो जाएगा 25,
पांच पैंतीस, पैंतीस ही बन जाएगा सैंतीस, गुणा कराएंगे 8.85 से और ये बन जाएगा 10 की घात 12, 3 माइनस 15 बन जाएगा, ये वैल्यू बनेगी। यहां पर कोई पॉइंट नहीं है, 85 है सीधे सीधे, 8.85 है लिखा हुआ। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनेगा, क्योंकि वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो अगर ये मल्टीप्लाई कराएंगे यहां पर 375 और ये बन जाएगा 885, 5525 और ये बन जाएगा यहां पर 57, तो बन जाएगा 35 और यहां पर ये 7 बन जाएगा और यहां पर बनेगा 15 और ये बन जाएगा 18, और 8 से करेंगे ये 0 बनेगा, 4 होगा और उसके बाद में 6 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 और यहां पर 8 से ये बन जाएगा 24, तो 24 बनेगा, तो ये बन जाएगा 30। अब यहां से लिख देते हैं, ये बन जाएगा 0003। अब इनको ऐड कर देते हैं, यहां बनेगा 5781333। अब यहां लिख देते हैं पॉइंट कहां लगेगा, दो डिजिट के बाद, मतलब यहां पॉइंट लगने वाला है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3318.75 इंटू बन जाएगा 10 to the power माइनस का यहां पर 15 बनेगा। इसे सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पॉइंट इधर किसका है, 3.31875 और ये वैल्यू बन जाएगी गुणे 10 की घात कितना बनेगा, तो 1, 2, 3, 3 पावर इसमें कम होंगी तो बन जाएगा माइनस का 12 कूलाम। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इजिली, जल्दी से। अब क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है अब तक, डाटा बदल बदल के, 2 बार यहां रखा गया, तीसरा वाला अपने आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्या दिया है, लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक ही वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर बात करें 100 का मतलब 10 की घात 2, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 की घात माइनस 4 होता है, तो ओवरऑल ये बना 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र इस बार 100 दे रखा है, तो E की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब 10 की घात ये 2 न्यूटन प्रति कूलाम है। घातों के फॉर्म में कैलकुलेशन अच्छी चलती है। आवेश बताना है, तो हम लोगों ने अभी देखा यहां से कि जो क्यू होता है वो ई ए एप्सिलॉन नॉट होता है, तो डायरेक्ट यहां से वैल्यू लिखते हैं, पीछे सॉल्व कर ही चुके हैं, तो क्यू की वैल्यू होती है ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी है, 10 की घात 2, क्षेत्रफल कितना है 10 की घात माइनस 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10 to the power -12 होता है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, यहां से सीधे सीधे वैल्यू आ गई 8.85 × 10 to the power -12 कूलाम, ये बन जाएगा इस पर आवेश होगा, ठीक है। तो इस तरह से लगा सकते हैं, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी, तो दोनों के लगाने का तरीका जो होगा वो सेम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सर्किट दिया गया है यहां पर, कह रहे हैं संलग्न परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है, तो अगर इस परिपथ को देखा जाए, की कॉन्सेप्ट यहां पर हम लिख देते हैं, जब भी कभी बोर्ड के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं, बोर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं, बोर्ड के क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि जो संधारित्र है वो फुल चार्ज है, संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित है, आवेशित है, ठीक है, पूर्ण रूप से आवेशित होंगे तो क्या होगा, उनमें डीसी करंट की सप्लाई यहां दी गई, बैटरी लगाई गई है, तो उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा उनमें, ठीक है। ये है की कॉन्सेप्ट, ये याद रखेंगे हम लोग और सॉल्व कर देंगे इसे। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगा के देखें यहां पर क्या बनने वाला है, कहा गया है कि जहां संधारित्र जुड़ा है वहां पर कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, तो अगर हम धारा प्रवाह देखें तो ये माइनस प्लेट, ये प्लस प्लेट है, यहां से धारा प्रवाहित होना शुरू होगी, इस वाले लूप में धारा प्रवाहित होगी, ऊपर वाले में धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो अगर इसमें धारा प्रवाहित होती है तो यहां से क्या देख रहे होंगे हम लोग, कि अगर हम इसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो देखेंगे धारा बी से ए की तरफ आ रही होगी, लिखना चाहे इसमें धारा होगी कितनी, तो ये अगर आई है धारा, तो आई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, आई लिखा जाता है कक्षा 10 में हम लोग पढ़ते हैं ओम का नियम, क्या होता है, वी बराबर आई इंटू आर, याद रखेंगे आर इक्विवेलेंट होता है यहां पर,
तो अगर हम धारा लिखें यहां से I की वैल्यू, तो ये लिखा जाएगा V बटा R इक्विवेलेंट, R तुल्य लिखा जाएगा। इसे भी हम ट्रायंगल लॉ से याद रख सकते हैं इस नियम को। कैसे? यहां पर अगर हम ट्रायंगल बनाएं, यहां पर लिख देते हैं V, यहां I, यहां पर R, तो जो भी निकालना हो उसको बंद करो, बाकियों को नोट कर सकते हैं। तो V अगर बंद कर दिया जाए तो V के R और कौन सा बचा रह गया, तो I into R बचा रह गया। I को कोई कहता बंद कर लेते हैं, तो I को बंद करेंगे तो V बटा R हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई कहता नहीं मुझे R चाहिए, तो R की वैल्यू कितनी निकल के आ रही होगी, V बटा I। तो ये भी ट्रायंगल से हम याद रख सकते हैं, इसे ओम का नियम है। I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, I बराबर बनेगा V बटा R। तो V कितना है, ढाई है, 2.5 है। R कितना आएगा, देखो आधा ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है, और दो यहां आएगा, तो दो और 0.5 श्रेणी क्रम में जुड़े होने की वजह से 2.5 बनेगा। तो यहां करंट कितने एम्पियर की आएगी, एक एम्पियर की करंट बनेगी। तो अगर यहां एक एम्पियर की करंट बनी है, तो इसका मतलब ये हो गया यहां से यहां का विभव जो होगा वही यहां से यहां का होगा, वही विभव यहां से यहां का होगा। तो अब अगर हम देखें कि इसका विभव कितना बन रहा है, तो 2 यहां पर लिखा गया है, ये कितना है 2 है, और इसमें करंट कितनी, 1 एम्पियर। तो यहां का वोल्टेज कितना बन रहा है, अगर हम यहां से देखें, यहां से लगा करके यहां तक का जो विभव बनेगा वो कितना बनेगा, तो 2 इंटू में क्या लिखेंगे, करंट बराबर आएगा 2 वोल्ट। तो अगर यहां 2 वोल्ट, तो यहां 2 वोल्ट, और यहां पर भी देख सकते हैं 2.5 है, इसमें ड्रॉप कितने का होगा, तो अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5 वोल्ट बनेगा, तो 2.5 माइनस 0.5 दैट इज यहां पर बन जाएगा 2 वोल्ट का ड्रॉप बनेगा। तो इसका मतलब इन सब में 2 वोल्ट विभवांतर रहने वाला है। तो अगर यहां से देखा जाए 2 वोल्ट विभवांतर है, यहां और यहां के बीच में 2 वोल्ट का विभवांतर है, तो 2 वोल्ट के विभवांतर पर ये देखना चाहते हैं कि जो 4 माइक्रोफैरेड है और जो संधारित्र लगाया गया 4 माइक्रोफैरेड का, उसकी जो प्लेटें होंगी उन पर कितना आवेश रखा गया होगा। तो इसमें कोई धारा है नहीं, यहां पर जो आई है इस रजिस्टर में वो कितनी है, 0 है। तो यहां पर ड्रॉप तो 0 हो गया, सीधे सीधे ड्रॉप की वैल्यू तो 0 आ गई। तो वहां का ड्रॉप 0 है, इसका मतलब जो 2 वोल्ट यहां से दिया जाएगा वो सीधा सीधा क्या जाएगा, संधारित्र की प्लेटों के पास जाएगा। तो संधारित्र की प्लेटों के पास अगर जा रहा होगा, तो हम यहां लगा सकते हैं Q बराबर CV, ऐसा लगा सकते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश निकालना है, तो C की वैल्यू हमारे पास दे रखी 4 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड मतलब -6। वोल्टेज कितना जा रहा होगा, 2 जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 × 10⁻⁶, ये बन जाएगा कूलाम। और अगर इसे सही से लिखें तो 8 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं पावर 6 के साथ, तो ये बन रहा होगा आवेश। तो ये 8 माइक्रो कूलाम इसका आवेश हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट यहां याद रखेंगे, बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन उनमें हम ऐसा मान सकते हैं कि संधारित पूर्ण रूप से चार्ज हो चुका है, उसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगा उस ब्रांच से, उस सर्किट मतलब, और उसमें जो प्रतिरोध लगा होगा धारा नहीं होने की वजह से उसमें विभव 0 होगा। तो जितना विभव उत्पन्न होगा सारा का सारा संधारित्र की प्लेटों के मध्य जाएगा, और हम वहां से निकाल सकते हैं Q बराबर CV लगा के उनकी प्लेटों पर आवेश कितना होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में भी बनाया गया सर्किट। यहां पर यह सर्किट है, यहां पर यह एरो नहीं बने हुए हैं, यहां पर यह बिंदु ए है, यहां पर ये बिंदु बी बना हुआ है, कह रहे हैं ए व बी के मध्य तुल्य धारिता बताओ। तो जब भी कभी ऐसे सर्किट दिए हो, तो अगर ये ए बिंदु है तो इसका मतलब यहां कुछ नहीं लगा तो ये ए होगा, यहां भी कुछ नहीं लगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां पर इसे हम बी लिख देते हैं और इसे लिख देते हैं क्या बनेगा, यहां पर ये बी है तो ये वाला भी बी बन जाएगा। और एक मिनट, इसे हम दूसरा नाम दे लेते हैं, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, मान लिया इसे हमने नाम दे दिया है सी, ठीक है। तो एबीसी इनके नाम दिए गए हैं। अब इस परिपथ को हम दोबारा से बना लें, वैसे निकाल सकते हैं इसकी धारिता, लेकिन हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसका फिगर बना देते हैं। ए यहां है, ए से सी जोड़ा गया है एक संधारित्र के साथ, ठीक है। यहां पर पॉइंट सी है, एक संधारित्र है कितने का, 1 माइक्रोफेरड का है, ठीक है। अब ए से दूसरा जोड़ा गया है बी, ए से बी को जोड़ दिया गया है, तो ए से यहां पर बी को जोड़ा गया है एक संधारित्र के द्वारा, तो यहां से जोड़ा गया है एक माइक्रोफेरड के संधारित्र के द्वारा, और ये सीधा किससे जोड़ा गया है, बी के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। सी और बी के बीच में एक संधारित्र और लगा हुआ है, सी और बी के बीच में संधारित्र, यहां से देख सकते हैं कि ए और सी के बीच में संधारित्र लगा हुआ है, दो संधारित्र अलग से लगे हुए हैं ए और सी के बीच में,
तो ए और सी के बीच में संधारित्र तो लगा हुआ था, दूसरा संधारित्र ए और सी के बीच में दो और लगे हुए हैं, तो अगर ये दो संधारित्र लगे हुए हैं इनको भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं हम लोग। ये पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र हो गया, ये भी किससे जुड़े हुए हैं, सी से जुड़े गए हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए बी और सी क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनके बीच कोई भी संधारित्र नहीं जोड़ा गया है, सारे क्या है 1 माइक्रोफेरेड के संधारित्र हैं, 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है ये। तो अगर हम इसकी तुल्य धारिता निकालें तो अब इसे पहचानना मुश्किल नहीं है, निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यहां से एक और एक ये क्या है श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, यहां एक एक जो आएगा इसके साथ समांतर में और सबके बाद में सारे समांतर में आ जाएंगे। तो एक और एक हम यहां से जानते हैं, एक और एक क्या बनेगा समांतर में आधा बन जाएगा, यहां से देख सकते हैं 1/c बराबर हम 1/c1 + 1/c2 लिखते हैं, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 1/1 + 1/1, ये बन जाएगा 2/1, अगर हम इसे c की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जो धारिताएं होंगी, इन दोनों की धारिताएं वो कितनी आ जाएंगी, हाफ आएंगी, और ऊपर वाले एक के साथ समांतर क्रम में होगा तो ऊपर वाले एक के साथ समांतर क्रम में होगा, मान लेते हैं उसे सी डैश मान लिया गया, तो 1/2 ये है और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एक के साथ जोड़ लेते हैं सीधे सीधे, समांतर में जोड़ना रहता है, तो ये बन जाएगा 3/2 माइक्रो फैरड, यहां पर ये 0.5 माइक्रो फैरड था। तो ये ओवरऑल ऊपर का सर्किट तो हल हो गया, अब बचे जो है एक के साथ में आएंगे, तो यहां पर हमारे पास पॉइंट ए है, इधर संधारित्र कितना है 3/2 माइक्रो फैरड है, और यहां पर कितना दिया गया है तो 1 माइक्रो फैरड है, 1 माइक्रो फैरड है, और ये इधर पॉइंट बी दिया है, तो ये दोनों अब कैसे आ गए, तो ये दोनों कैसे समांतर में है, समांतर में है तो इनको जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, तो समांतर में डायरेक्ट जोड़ेंगे तो जो सी तुल्य बनेगा इस परिपथ का या ए व बी के मध्य का वो कितना बनेगा, 3/2 है मतलब आधा है, और यहां एक है तो आधा एक बनेगा ढाई बन जाएगा, तो ढाई बनेगा तो इसे हम 2.5 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, माइक्रो फैरड बन जाएगा ये हमारे पास आंसर। तो ये सर्किट से क्वेश्चन था, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें माइनर समांतर और श्रेणी देखना मुश्किल हो रहा था तो हम लोगों ने सर्किट को क्या किया, इजी कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि तीन संधारित्र हैं बराबर बराबर मात्रा के, और उनमें कह रहे हैं कि दोनों तरह से संयोजन किए गए हैं, पहले समांतर में फिर श्रेणी में जोड़ा गया है। तो अगर हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की, पहले केस के बारे में बात करें, तो पहले केस में क्या कहा है, समांतर में जोड़ लेते हैं, तो समांतर में अगर हम जोड़ेंगे तो सी जो तुल्य निकल के आएगा C+C+C बन जाएगा, अगर हम मान लेते हैं प्रत्येक की धारिता सी है, तो यहां से सी इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, वो आ जाएगा 3C के बराबर, ठीक है। और अगर बात करें सेकंड केस के बारे में, केस नंबर दो के बारे में अगर हम बात करें, तो केस दो के बारे में बात कर रहे होंगे, तो यहां निकल के आएगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या हो रहा होगा, 1/C इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 1/C + 1/C + 1/C बनेगा, तो ये बन जाएगा 3/C। तो अगर हम यहां से सी इक्विवेलेंट निकालें समांतर क्रम का, श्रेणी क्रम का, तो वो निकल के आएगा C/3, ऐसा आएगा। इन्होंने कहा इनकी अनुपात बता दो, तो अगर हम अनुपात लिखना चाहें तो अनुपात क्या निकल के आएगा, सी समांतर बटा सी किसका, श्रेणी का, श्रेणी क्रम। अब अगर हम इन दोनों को लिखें तो क्या लिखेंगे, समांतर का हमारे पास निकल के आया है 3C और श्रेणी का निकल के आया है C/3, तो 3 पलट के ऊपर जाएगा, बनेगा 3 * 3 = 9, यहां बनेगा सी और ये सी सी से कैंसिल हो जाएगा, निकल के आएगा 9, यहां पर बन जाएगा 1, तो इनके बीच का जो अनुपात कितना निकल के आएगा, 9:1 होगा अनुपात इनका, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समांतर में हम सीधे ऐड करते हैं 3C बनेगा, श्रेणी क्रम में हमें 1/3 करके ऐड करना पड़ता है तो वो बनेगा C/3, और उनका अनुपात लिखेंगे तो 9:1 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहा इन क्वेश्चन ने, कह रहे हैं कि कोई समांतर पट्टिका संधारित्र दो श्रेणीबद्ध परावैद्युत गुटकों से बना है, दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार ये D1 D2 हैं, मोटाई दी गई है, K1 K2 इनके परावैद्युतांक दे रखे हैं, व्यवस्था को एक ऐसा परावैद्युत माना जा सकता है, मतलब इसके पैरल अगर हम एक फिगर दूसरा बना लें कि यहां पर ये संधारित्र है कोई, कह रहे हैं ये इक्विवेलेंट है, मतलब ये एक जैसा है किसके, जब इनके प्लेटों के बीच की दूरी डी है,
यहां पर ये डी दे रखा है, और याद ये रखेंगे हम लोग कि जो डी है वो दोनों का योग है। तो यहां लिखना चाहें तो हम लिख लेते हैं कि जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर है, डी वन प्लस डी टू के बराबर है। कह रहे हैं यहां पर परावैद्युतांक के भरा गया है, ठीक है, तो कह रहे हैं के का मान ज्ञात करो जब ये दोनों बराबर बराबर हों। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसकी पहले धारिताएं लिखनी है। तो अगर के वन भरा गया हो, धारिता लिखनी हो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से लिखेंगे अपसाइलन नॉट लिखेंगे हम, और यहां पर लिखा जाएगा ए डिवाइडेड बाय, यहां क्या लिख देंगे, डी वन, और यहां पर इनटू में क्या लिख देंगे, तो के वन भरा गया तो इनटू के वन लिख देंगे। मान लेते हैं धारिता क्या है, सी वन है, और इस वाले की धारिता अगर लिखी जाए तो मान लेते हैं ये सी टू लिखा गया है, तो ये क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, दोनों के प्लेट क्षेत्रफल समान समान है, और यहां पर लिखा जाएगा डी टू, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, के टू से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऐसा होगा। अब इन दोनों को देखते हैं कि ये कैसे संयोजित किए गए हैं। यहां पर ये सी वन लिखा गया है, ये सी टू लिखा गया है, संयोजन कैसा हो रहा होगा, तो संयोजन यहां से देख सकते हैं, ये के वन है, ये के टू है, जुड़े कैसे हैं, तो जोड़े गए हैं कैसे, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, एक का धन दूसरे के ऋण से जोड़ा गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों अलग अलग टर्मिनल को बनाएं, यहां पर टर्मिनल एक बना लेते हैं और एक टर्मिनल यहां नीचे बना लेते हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम तुल्य धारिता लिखें तो कितनी निकल के आएगी, दोनों धारिताओं को हम श्रेणीबद्ध करके देख सकते हैं। तो श्रेणीबद्ध अगर हम करेंगे तो सी वन तथा सी टू का श्रेणी क्रम में संयोजन से जो धारिता निकलेगी, संयोजन, तो श्रेणी क्रम में अगर हम संयोजन करवाएंगे तो हमारे पास जो सी निकल के आएगा, सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट फार्मूला अगर हम यूज करना चाहें, सी वन सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू लगा लेते हैं, तो गुणा कराते हैं उसके बाद इनको जोड़ते हैं, तो सीधे गुणा कराएंगे क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी वन, यहां पर बनेगा के वन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई यहां डी टू बनेगा, यहां बन जाएगा के टू, और पूरे का बटा क्या बनेगा, तो इनका योग है, तो बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी वन, यहां बनेगा के वन प्लस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी टू, यहां पर क्या बन जाएगा, के टू बन जाएगा, ऐसा लिख देंगे। तो ये सी बन गया हमारे पास। अब अगर इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही होगी, एप्सिलॉन नॉट ए तो कॉमन चला गया, यहां बचा के वन बाई डी वन, यहां बच जाएगा के टू बाई डी टू, और यहां पर जो वैल्यू निकल के आने वाली होगी हमारे पास वो बन जाएगी, यहां पर इनटू में है ध्यान रखेंगे, ये इनटू में दिए गए थे, इनटू है, और यहां पर बन जाएगा के वन बटा डी वन प्लस के टू बटा डी टू। ठीक, अब क्या करना है हमें, इसे सॉल्व करना चाहते हैं हम इसे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा के वन के टू, यहां लिख देते हैं हम के वन इन टू के टू डिवाइडेड बाई में क्या होगा, डी वन डी टू, डी वन डी टू कैंसिल हो जाएंगे, डी टू इधर जाएगा, डी वन इधर जाएगा, तो ऐसे लिखना चाहे के टू डी वन प्लस के वन डी टू बन जाएगा। तो ये हो गई धारिता, कह रहे हैं वो इसके तुल्य है, तो इसके तुल्य है का मीनिंग क्या है, अगर हम यहां से देखें सी जो निकल के आएगा, सी इक्विवेलेंट सी के तुल्य है, इस सी के तुल्य, तो सी क्या लिखा जा सकता है, आप साइलेंट नॉट ए डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, डी, यहां पर तो डी की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी वन प्लस डी टू के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, वहां से देख सकते हैं दिया गया है डी वन प्लस डी टू, तो ये हो जाएगा डी वन प्लस डी टू, ये लिख दिया गया। अब अगर इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं तो बराबर में क्या होगा, ये है अपने पास सी इक्विवेलेंट, यहां पर ये सी लिखा गया है, तो कह रहे हैं के का मान हमें बता दो क्या निकल के आएगा, तो के का मान निकालेंगे तो क्या बन रहा होगा, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएंगी, यहां पर जो वैल्यू बनी थी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी यहां पर बना था, तो ये दो बार बाहर गया, एक बार कटा था, एक बार बाकी रह गया, तो उसे एक बार को यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए एक बार बाकी रह गया था, यहां भी लिखना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं एक बार का, और इसको बराबर कर देते हैं अगर इस वैल्यू के, तो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय यहां बनेगा डी वन प्लस यहां बनेगा डी टू, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी टू, और यहां पर परावैद्युतांक कितना है के, तो यहां के से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये के हो जाएगा। अब वहां से सी वन सी टू का
श्रेणी क्रम में धारिता निकाली इतनी आई थी, इसको हम लोगों ने अलग पराविद्युत से भरे संधारित्र के बराबर किया जो कि इतना आया था। अब अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें वैल्यू मिल रही है एप्सिलॉन नॉट ए से, एप्सिलॉन नॉट ए कटेगा क्योंकि यहां से एक कॉमन तो नीचे से कैंसिल हुआ, दूसरा बचा हुआ था वो लिखा था हम लोगों ने। अब अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहां पर K1 K2 है, यहां D1 D2 है, यहां पर ऐसा सीधे सीधे K की वैल्यू यहां लिख देते हैं, क्या बनेगी, यहां पर D1 प्लस D2 मल्टीप्लाई होगा तो K1 K2 इंटू D1 प्लस D2 बन जाएगा और डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा K2 D1 प्लस K1 D2, ये वैल्यू निकल के आ रही होगी जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। अब अगर इसे समझना चाहें तो जल्दी जल्दी इसे समझ लेते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दोनों संधारित्रों की अलग अलग धारिताएं देखी, फिर देखा इनका संयोजन कैसा था, श्रेणी क्रम संयोजन था। श्रेणी क्रम संयोजन से हम लोगों ने निकाल लिया कि जो तुल्य धारिता आई थी वो आई थी K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई K2 D1 प्लस K1 D2। इन्होंने ही कह रखा है इस व्यवस्था को एक ऐसा परावैद्युत माना जाता है जिसकी मोटाई D1 प्लस D2 प्रभावी जो परावैद्युतांक है वो K है। तो हमने एक यहां अलग संधारित्र माना जिसका परावैद्युतांक K था, d दूरी थी, उसको D1 प्लस D2 हम लोगों ने लिखा। यहां पर ये D1 प्लस D2 लिखा हुआ है, यहां पर d की जो वैल्यू है वो क्या लिखी गई है, d इज इक्वल टू D1 प्लस D2। तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया कि D1 प्लस D2 लिखा गया है, इस धारिता को इसकी धारिता के साथ रिलेट कर लिया और फिर फार्मूला निकाला, जो K की वैल्यू निकल के आ रही थी वो इतनी निकल के आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा है, सर्किट का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि तुल्य धारिता बताइए ए और बी के मध्य। तो यहां पर ए है, यहां पर बी है, तुल्य धारिता हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड एक साथ लगे हुए हैं, तो इनका क्या होगा, ये कैसे जोड़े गए हैं, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, 2 × 2 / 2 तो ऊपर बन जाएगा 4 / 4 दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, तो ये 1 माइक्रोफेरेड बना लेंगे मान। और ये 3 के साथ में क्या है, समांतर में है, तो परिपथ ऐसा हो गया, अब हमारे पास परिपथ ऐसा हो गया, यहां है ए, यहां पर है बी और यहां पर है 1 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र, यहां पर कितना है, 3 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र। तो जो सी इक्वेलेंट निकल के आएगा ए बी के बीच में, 3 और 1 4 माइक्रोफेरेड बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये बोर्ड का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी उसका मान हमें बताना है। तो यहां से हम लोगों ने अभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसको लगा सकते हैं कि जब संधारित्र से जुड़े किसी परिपथ में धारा प्रवाह होगा तो संधारित्र में कोई धारा नहीं जाएगी। तो अगर यहां 2 एम्पियर की धारा है तो यहां पर भी 2 एम्पियर की धारा होगी, इधर से जाएगी ये 2 एम्पियर धारा और वापस इधर से लौट करके आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से परिपथ को नाम दे देते हैं, ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, तो इधर जो विभवांतर होगा वही इसके सिरों पर विभवांतर होगा, अब समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण। तो हम क्या देख लेते हैं, ये 2, 3 और 5 कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये परिपथ कुछ ऐसा बना हुआ है, ये है संधारित्र जिसकी धारिता 2 माइक्रोफेरेड है हमारे पास, और इधर ये परिपथ कैसा जोड़ा गया है, तो ये परिपथ हमारे पास इस तरह का कुछ है, यहां से धारा जा रही है 2 एम्पियर की, वापस इधर से आ रही है कितनी, 2 एम्पियर धारा वापस आ रही है। और अगर यहां से देखें तो इसका प्रतिरोध कितना हुआ, 3 × 2 = 5, 5 ये 10 बन जाएगा, 10 ओम बनेगा। हम देखना चाहते हैं कि इनके जो विभव होंगे वो कैसे होंगे, तो हम लोगों ने ए बी लिखा था, ये तो ए बी के सिरों पर विभव वही होगा जो यहां इन सी डी के सिरों पर विभव होगा, तो हम सी डी के सिरों पर विभव निकाल लेते हैं, उसे ए बी के बराबर कर देंगे। तो देखते हैं इसमें धारा कितनी जा रही है, 2 एम्पियर की धारा जा रही है, तो यहां पर जो विभव आएगा वी बराबर आई आर लगाएंगे तो 10 बनेगा, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट, वी बराबर आई आर लगाएंगे तो अगर 20 वोल्ट का विभव वहां है तो 20 वोल्ट का विभव यहां भी होगा, तो इनके सिरों पर विभव कितना हो गया, वी बराबर 20 वोल्ट। तो अगर 20 वोल्ट निकल के आएगा विभव इनके बीच में, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या लिखना है, ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या होती, हाफ सी वी स्क्वायर होती है, तो ऊर्जा निकल के आएगी हाफ सी, सी की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड का मतलब -6 से बदल लेते हैं, और यहां लिखा जाएगा वी का स्क्वायर, तो बन जाएगा 20 का स्क्वायर। अब अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा हाफ, ये बनेगा 2, यहां बनेगा 10 की घात -6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 होता है, देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये बन गया देखो 400 / 10 की घात -6,
और अगर इसे हम सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻⁴। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर बना हुआ है ये क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी दी गई है डी, प्लेटों के बीच K1 और K2 परावर्तितांक के गुटके रखे गए हैं, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहां संधारित्र हम अलग अलग कंसीडर करते हैं, कौन से, यहां पर जो ये संधारित्र इधर लिखा गया है K1 वाला ये है और ये K2 वाला है। तो अगर ये K1 का दिया गया संधारित्र है तो इसकी धारिता क्या लिखी जाएगी, C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू ए, इसका क्या है a/3 क्षेत्रफल है, डिवाइडेड बाय दूरी क्या है, वो दूरी डी दे रखी है, यहां से यहां तक की दूरी डी है। और बात करें इस C2 की तो C2 का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2a/3 है और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि संधारित की धारिता बताओ, इस टोटल संधारित की धारिता कितनी होगी। तो अगर यहां से देखा जाए संयोजन कैसा बन रहा है, तो संयोजन को देखें तो क्या बनेगा, यहां पर जो आवेश होगा, यहां पर जो आवेश होगा वो भिन्न भिन्न होंगे क्योंकि परावैद्युत अलग है, परावैद्युत हो अलग होगा तो जो आवेश होंगे अलग अलग होंगे, आवेश अलग अलग होने की वजह से कैसे होंगे ये, तो आवेश जब अलग अलग होता है तो वो समांतर क्रम में होते हैं। तो अगर हम तुल्य धारिता यहां से लिखते हैं, तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता सी इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो कितना होगा, C1 + C2, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो यहां है एप्सिलॉन नॉट Ka, तो Ka की वैल्यू है a/3 और यहां पर डिवाइडेड बाय लिखेंगे तो डी हो जाएगा और प्लस में ये वैल्यू लिख देते हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2a/3 है, यहां पर डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा। हर तो समान है, अंश को देख लेते हैं क्या बन रहा होगा, तो अंश की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, सी इक्विवेलेंट जो बनेगा तुल्य धारिता, वहां पर एप्सिलॉन नॉट है जो कॉमन मिल सकता है और a/3 हमें कॉमन मिल सकता है, तो a/3 और यहां डी भी कॉमन मिल ले लिया हम लोगों ने, तो बचा यहां क्या, ए कॉमन चला गया एप्सिलॉन नॉट, 3 और डी कॉमन चले गए, सीधा सीधा यहां K1 बच गया, प्लस यहां पर K2 है ये कॉमन जा चुका है, यहां पर a/3 तो 2 बचेगा तो यहां पर बन जाएगा 2 × K2, ये हो जाएगी संधारित्र की धारिता, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसकी धारिता को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर क्या क्या लिखा गया है इसे लिख देते हैं, यहां पर जो गैप में चला गया है 18 माइक्रोफेरड है हमारे पास, यहां पर हम अब लिखना चाहते हैं कि ये वैल्यू क्या बन रही होंगी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिखा गया है। कह रहे संधारित्र के दिए गए नेटवर्क में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता बताओ और 4 माइक्रोफेरड के बारे में कुछ कह रहे हैं कि उसके मध्य विभवांतर ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस परिपथ को हल करते हैं, तो 3 3 3 ये कैसे हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में हम उन्हें डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और अगर हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 9 और 9 और 18 यहां पर होगा, तो यहां पर हम ऐसे बना देते हैं, ये बन जाएगा 18 माइक्रोफेरड, यहां पर बन जाएगा सामने उसके 9 माइक्रोफेरड। अब ये दोनों कैसे आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे श्रेणी क्रम में, अगर इनका श्रेणी क्रम में हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 18 × 9/18 + 9, तो 9 × 8 = 17, ये बनेगा 27, ये बन जाएगा 18/3, 9 × 3 = 27 बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, तो 6 माइक्रोफेरड निकल के आ रहा होगा अपने पास ये वैल्यू, ठीक है। तो इन यहां तक का तो परिपथ हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं ये जो 6 माइक्रोफेरड का होगा समांतर क्रम में जोड़ा गया होगा, तो 6 का अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो ये परिपथ यहां हम बना लेते हैं, इसे क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास निकल के वैल्यू आ जाएगी 6 माइक्रोफेरड और उसके साथ में ये क्या जोड़ा गया है 6 माइक्रोफेरड और ये है आगे का परिपथ यहां पर बढ़ा हुआ है, उसको देखेंगे हम। तो 6 और 6 कैसे हैं समांतर में, तो यहां से ये निकल के आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट 12 माइक्रोफेरड, डायरेक्ट जोड़ लेंगे तो 12 माइक्रोफेरड हुआ। तो यहां तक का भी परिपथ हल हो गया, 4 माइक्रोफेरड और रह गया है, तो यहां पर क्या है 4 माइक्रोफेरड और साथ में ये क्या लिखा हुआ है, तो ये 12 माइक्रोफेरड है। अब हमें ये लिखना है, यहां पर है बिंदु ए, यहां पर है बिंदु बी, इनकी तुल्य धारिता बतानी है, तो ओवरऑल ये क्या बनने वाला है सी की वैल्यू, तो यहां लिखेंगे 4 × 12, श्रेणी क्रम में है, फार्मूला लगाना पड़ेगा C1 C2 / C1 + C2, तो 4 + 12 = 12, ये बनेगा 4 × 12, इसे लिखा रहने दो, यहां पर 12 × 4 हो जाएगा 16,
चार चौक 16, चार तिया 12, तो सी कितना निकल के आएगा, 3 माइक्रोफेरेड, ये बन गया। ठीक है, अब कह रहे हैं 4 माइक्रोफेरेड का जो संधारित्र होगा, जो उधर किनारे की साइड में लगा हुआ है, उसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा वो बताना है हमें। तो यहां से 2 वोल्ट की जो बैटरी लगी है ये विभवांतर सप्लाई करेगी। तो इस समय अगर हम इस परिपथ को बनाएं, इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाएं, तुल्य परिपथ बनाएं इसका, तो क्या हो गया है, यहां पर हमारे पास ये है 4 माइक्रोफेरेड, इसमें विभवांतर निकालना, इसे हम रखे रहते हैं अभी। और उधर जो परिपथ पूरा हल होने के बाद आया था वो कितना आया था, 12 माइक्रोफेरेड, इसे हम लिख देते हैं अलग से, 12 माइक्रोफेरेड। और यहां बैटरी कितने की जोड़ी गई है, तो बैटरी जोड़ी गई है हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी है, यहां का विभवांतर चाहिए। तो हम लोगों ने विभवांतर का फार्मूला भी देखा था, क्या होता है वो फार्मूला, सामने वाली धारिता, तो सामने वाली धारिता 12 है, कुल धारिता लिखेंगे 12 4 16 है, और लगाया गया विभवांतर कितना है, तो 2 हो जाएगा। अब अगर हम इसे कैंसिल करें, 4 से कैंसिल करें, 4 3 12, 4 चौक 16, इससे कैंसिल कराएंगे 2 टाइम चला जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी 3/2, इसका मतलब ये बन जाएगा 1.5 वोल्ट्स, ये वैल्यू निकल के आएगी। फार्मूला अगर हम दोबारा से याद दिला देते हैं, क्या हुआ करता था, अगर हम C1 के सिरों पर विभव लिखा करते थे, कहते थे V1 है, तो वो निकल के आता था C2 / C1 + C2 × V, फार्मूला लगाएंगे तो ऐसा निकल के आएगा, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या आवेश यहां पर प्रवाहित करें, Q = CV लगा के निकाल लें, तो वहां से भी विभवांतर हमें पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां कह रहे हैं कि 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, इधर 4, इधर 4, 4 चार माइक्रोफेरेड के 5 संधारित्र तो जोड़े गए। इन्होंने कहा है ए व बी के मध्य पहले तुल्य धारिता बताओ, फिर तुम बताओ कि 15 वोल्ट की बैटरी अगर ए व बी के मध्य जोड़ दी जाए तो कितना आवेश संचित होगा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता निकालते हैं। इस संयोजन को हम अगर ऐसे बनाएं, यहां पर हमारे पास ए है, इससे 2 ब्रांच निकली हुई हैं, ए से यहां पर मान लेते हैं ये सी लिखा गया है और ये डी लिखा गया है। तो ए से सी में एक संधारित्र लगा हुआ है, लगा देते हैं ऐसा, यहां सी पर पहुंच गए, यहां पर एक संधारित्र लगा हुआ है, यहां हम डी पर पहुंच गए, और इधर इन दोनों के बीच में एक संधारित्र लगा हुआ है, तो ये संधारित्र लगा हुआ है, हम यहां पहुंच गए, फिर इनके बीच में एक संधारित्र लगा है, यहां पहुंच गए, और इनके बीच में भी एक संधारित्र लगाया गया है, यहां पर ये बी पॉइंट है। अब अगर हम यहां से देखें क्या क्या है, तो ये 4 है, सारे 4 4 माइक्रोफेरेट के दिए गए हैं, सी सी लिख देते हैं, सी 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 4 4 माइक्रोफेरेट के हैं। तो जब भी कभी ऐसा 5 का संयोजन दिखे जिनमें ये अनुपात क्या हो, बराबर बराबर अनुपात हो, 4 माइक्रोफेरेट ये था, ये भी 4 माइक्रोफेरेट है हमारे पास, ये वाली वैल्यू भी 4 माइक्रोफेरेट के बराबर आ रही है, ये वैल्यू भी किसके बराबर है, 4 माइक्रोफेरेट के बराबर है। तो अगर ऐसा संयोजन हमें कभी दिखे तो ये होता है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है, हिंदी में इसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। और संतुलन की अवस्था में क्या होता है, जो बीच में संधारित्र लगा होता है उसे हम यहां पर नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, उस पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। तो हमारे पास ये परिपथ अगर बनाए या ऐसे ही बना रहने देते हैं, कभी कभी इस परिपथ को बदल लिया जाता है, बदलना चाहे बदल लें, कि यहां पर ऐसा हो गया, यहां पर दूसरा संधारित्र ऐसे जोड़ा गया था, यहां पर ये संधारित्र ऐसा था, यहां पर ये संधारित्र ऐसा था, यहां था बी, यहां पर था ए। अब निकाल देते हैं धारिता, तो यहां पर ये 4 और ये 4 थे, ये 4 माइक्रोफेरेड का था और ये वाला क्या था, 4 माइक्रोफेरेड का, ये भी 4 माइक्रोफेरेड का था और ये 4 माइक्रोफेरेड का था, इसको हमने कैंसिल करवा दिया यहां से। तो 4 और ये 4 कैसे जोड़े गए हैं, तो 4 और 4 जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में 4 4 को जोड़ेंगे, तो 4 4 को जोड़ेंगे तो 4 × 4 / 4 + 4 बन जाएगा, तो 16/8 बनेगा, 8 × 2 = 16 होता है, तो यहां बनेगा 2 माइक्रोफेरेड, यहां पर भी 2 माइक्रोफेरेड आएगा, इसका मतलब यहां ए है, तो यहां पर ये जो वैल्यू बनने वाली है, यहां पर 2 माइक्रोफेरेड, यहां पर भी 2 माइक्रोफेरेड, तो ये 2 माइक्रोफेरेड निकल के आएंगे, यहां भी बन जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, और ये 2 माइक्रोफेरेड होगा, मिला के जो सी इक्विवेलेंट बनेगा वो 4 माइक्रोफेरेड निकल के आ रहा होगा। तो ये हो गई इसकी तुल्य धारिता। कह रहे हैं 15 वोल्ट की बैटरी से अगर जोड़ा जाए तो किस पर, संधारित्रों पर आवेश की गणना कीजिए। तो एक बात देख सकते हैं, इन पर जो आवेश जाएगा उतना ही आवेश इधर जाएगा, मतलब क्या है,
सब में आवेश की मात्रा जो होगी वो समान आने वाली है। तो किसी एक पर हम संधारित्र पर मात्रा देखना चाहते हैं, तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी आई? 4 माइक्रोफेरेड। तो 4 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। यहां पर 4 माइक्रोफेरेड का ये संधारित्र है जो तुल्य धारिता है, इसको जोड़ा गया 15 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो यहां पर आवेश अगर देखें क्यों, तो क्यों की वैल्यू कितनी लिखी जाती? सी इंटू वी। तो 4 माइक्रोफेरेड हो जाएगा इंटू 15, 15 चौको 60, तो 60 माइक्रोकूलाम आवेश यहां से चलेगा। अब ये 60 माइक्रोकूलाम आवेश अगर यहां से जाएगा तो 60 में से इधर जाएगा 30 माइक्रोकूलाम, और इधर कितना जाएगा? 30 माइक्रोकूलाम चला जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, बराबर बराबर संधारित्र है। तो ये 30 माइक्रोकूलाम 30 माइक्रोकूलाम जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक पर कितना आवेश निकल के आ रहा होगा? तो हर एक पर आवेश निकल के आएगा 30 माइक्रोकूलाम 30 माइक्रोकूलाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहे दिए गए चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता पहले से दे रखी है इन्होंने। अब इस बार तो अगर ए व बी के मध्य तुल्य धारिता पहले से दी गई है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि जो सी है उसका मान कितना होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, सी का मान का हमें मान निकालना है, या कह सकते हैं सी धारिता हमें निकालनी है। तो ये सब जोड़े गए हैं, अगर इन दोनों को देखें, ये दोनों जो संधारित्र दिए गए हैं 2 और 2 समांतर में जोड़े गए, तो समांतर में इनका कितना बन जाएगा? 4 माइक्रोफेरेड बन जाएगा, सीधे सीधे यहां से देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, ये 4 माइक्रोफेरेड इस 4 माइक्रोफेरेड के साथ श्रेणी में आएगा, तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे दोनों को, तो 4 चौक 16/8 ही बन जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड समांतर में होने की वजह से 4 माइक्रोफेरेड बना लेंगे, तो हमारे पास परिपथ छोटा सा बन गया, ये सी है, और यहां पर बन जाएगा 4 माइक्रोफेरेड, और यहां पर बन जाएगा बी, यहां पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। होगा ऐसा। अब यहां पर ये 2 और 2 4 हुआ था, इस 4 के साथ 4 का संयोजन करवाया तो 2 बना, ये 2 इस 2 के साथ में समांतर में होके 4 बन रहा है, अब इसी के साथ में क्या श्रेणी में आ रहा है। तो अगर हम सी तुल्य लिखें तो कितना बनेगा? सी इक्विवेलेंट बन जाएगा C1 × 4 / 4 + C या C+4, और ये किसके बराबर दिया गया? 2 के बराबर दिया है। सॉल्व कर दो इसे, क्या बनेगा? ये बन जाएगा 4C बराबर बन जाएगा 4 × 8 + ये बन जाएगा 2C 2C 4C, ये बन जाएगा 2 × C बराबर में 8, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 माइक्रो फैरड। इस तरह से हम इसे लगा सकते हैं इजिली। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहे हैं दिए गए संयोजन के समतुल्य धारिता की गणना करनी है। यह संयोजन दिया गया है, कह रहे हैं ए व बी के मध्य धारिता की गणना करो। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं श्रेणी समांतर क्या है। ये 10 माइक्रोफेरेड और ये 5 माइक्रोफेरेड है, ये एक साथ जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो 10 और 5 का श्रेणी क्रम में निकालें तो क्या बनेगा? 10 × 5, यहां बनेगा 10 + 5, तो बन जाएगा देखो 50/15, 5 से काट दे तो ये बनेगा 10/3 माइक्रोफेरेड बन जाएगा। और इसको अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 3.333 चलता रहेगा, तो 3.3 माइक्रोफेरेड लिख लेते हैं। यहां पर 3.33 माइक्रोफेरेड, यहां 3 है, समांतर में होंगे तो ओवरऑल जो हमारे पास सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो हो जाएगा 3 + 3.33 = बन जाएगा 9.336 बन जाएगा, ये 6.33 माइक्रोफेरेड। इस तरह से हम इसे लगा सकते हैं इजिली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सी का मान ज्ञात करो, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता फिर से हमें दे रखी है। 2000 ये क्वेश्चन दिया है, 2017 का क्वेश्चन है ये, यहां क्वेश्चन ये 2017 का है, 2017 का क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या निकल के आ रहा होगा हमारे पास? एक तरफ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 2 समांतर में हैं, तो 12 और 2 समांतर में होने की वजह से क्या करते हैं, इन दोनों को हम लिख देते हैं 12 × 2 = 14, तो इनकी जगह पर हम 14 माइक्रोफेरेड लिख लेते हैं। पहले इन दोनों के बारे में बात करें तो 6 और 1 का हम जोड़ेंगे श्रेणी में, तो 6 और 1 को श्रेणी में जोड़ेंगे तो 6 × 1 बन जाएगा, 6 + 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा 6/7 माइक्रोफेरेड, ऐसा बनेगा। तो इन दोनों का तुल्य यहां पर लिखा गया है 6/7 माइक्रोफेरेड। अब ये वाला जो 6/7 होगा इसके साथ समांतर में आएगा, तो 6/7 + यहां 4 बन जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 7 चौक 28, 28 में जोड़ेंगे हम 6, 8 6 14, 34/7 बन जाएगा माइक्रोफेरेड। ठीक है, लिख दिया। अब हमारे पास क्या है,
अब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, यहां पर ये 6/7 था और वो 4 था, डायरेक्ट जोड़ा है तो 7 चौक 28, 28 6 34, 34/7 बन जाएगा। अब ये वैल्यू जो निकल के आई है इन दोनों का तुल्य, यहां पर ये 1 माइक्रोफेरेड के साथ हम जोड़ते हैं, तो परिपथ को एक बार बना लेते हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग, बना भी लेते हैं एक बार। यहां पर ये सी बचा हुआ है, यहां पर 1 माइक्रोफेरेड बचा है अभी, और ये दोनों पूरा सॉल्व हो गए हैं। ये कितना दे रहा है हमें, ये दे रहे हैं 34/7 माइक्रोफेरेड। नीचे ले जाते हैं बाहर, यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, 8 अभी बाकी रह गया 8 माइक्रोफेरेड। तो इस 8 माइक्रोफेरेड को हल कर लेते हैं हम। तो 8 को अगर हल करेंगे तो यहां से देखेंगे 14 है या 8 है, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो ये बनेगा 8×14/8+14। श्रेणी में होने की वजह से क्या बन जाएगा, 8 4 12, ये बनेगा 22, तो 8×14 बन जाएगा, यहां बनेगा 22। अगर इसे काटेंगे तो यहां 11 बन जाएगा, यहां बन जाएगा 7, तो 8 7 56, 56/11 बनेगा। तो यहां हम जोड़ देते हैं 56 माइक्रोफेरेड और यहां पर लिख देंगे /11। यहां पर और कोई नहीं जुड़ा है, यहां पर है बी। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, इसके साथ समांतर में आएंगे, तो श्रेणी क्रम में अगर हम निकालेंगे इनका तो कितना बनेगा, 34/7×1, और यहां हो जाएगा 34/7+1। इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहां 34 बन जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 34 और 7 इधर ही आके जुड़ेगा, 7 4 11, ये बनेगा 41। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतने माइक्रोफेरेड यहां पर, और इसके साथ हम इसे जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 34/41 माइक्रोफेरेड, और ये बन जाएगा साथ में 56/11, 56/11 माइक्रोफेरेड बनेगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी बनने वाली है, तो ये वैल्यू बन जाएगी, 11 से इधर गुणा करा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, 11 चौक 44 और 11 3 33, 33 बनेगा 3 4 3 7 37 बन जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, 56×41 से कराएंगे तो यहां 56×41, 41×56 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा, 41×11, ये बनेगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है, यहां से मिल जाएगा, ये है वैल्यू 374, ये लिख देते हैं, प्लस यहां पर 56 को हम 41 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये बन जाएगा 6, यहां पर बन जाएगा 5, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 6 24, 2 बचेगा और यहां बनेगा 4 5 20, 2 22 बन जाएगा। ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, 6 5 4 9 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और ये 2, तो 2296 बनेगा। तो ये वैल्यू हम लिख देते हैं यहां पर 2296 डिवाइडेड बाई में कितना बन जाएगा, 41×41, 41×11, ये 11 बनेगा। अब ऊपर जोड़ लेते हैं कितना बनेगा, तो इसमें हम जोड़ लेते हैं कितना, 374, तो ये बन जाएगा 6 4 10, 9 7 16, 1 17 बन जाएगा, 3 2 5, 1 6 बन जाएगा, और यहां बन जाएगा 2, 2670 बनेगा। तो यहां लिख देते हैं 2670, और डिवाइडेड बाई में कितना लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय में लिख सकते हैं 41×11, ये बनेगा। अब हम देखना चाहते हैं सी बचा है हमारे पास, तो सी को अगर इसके साथ हम श्रेणी क्रम में जोड़ें और उसके बाद में देखेंगे वो कितना होगा, 1 माइक्रोफेरेड के बराबर होगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 1 माइक्रोफेरेड की अगर हम बराबर करते हैं इसे, तो ये माइक्रोफेरेड अब तक तो आ चुका है, 2670×41×11, यहां पर 41 और 11 का 270 बनेगा ये, तो यहां से देख सकते हैं कितनी वैल्यू निकल के आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि समांतर संधारित्र ही ऐसा कुछ है, ऊर्जा की गणना करनी है, एक ए का विभव दे रखा है, यहां जो दिया है उन सबको हम लिख देते हैं, यहां है पॉइंट ए, तो इन्होंने ए का विभव दिया है, वी ए की वैल्यू कितनी है, तो वी ए की वैल्यू है 90 वोल्ट, और यहां ग्राउंड किया गया है, ग्राउंड किया गया है, तो ग्राउंड किया गया होगा तो यहां का विभव कितना, 0। तो ओवरऑल ए, और यहां पर अगर हम बी बिंदु लिखते हैं तो ए व बी के मध्य जो विभवांतर होगा, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो शून्य है तो 90 वोल्ट हो गया विभवांतर। ठीक है, सी वन की वैल्यू, सी टू की वैल्यू, सी थ्री की वैल्यू दे रखी है,
20, 30 और 15, तो ये 20 है और ये 30 है और ये क्या दिया गया है, 15 माइक्रोफेरड है। ठीक, अब अगर हम इन सबको निकालें, तुल्य धारिता पहले निकालनी है हमें, कह रहे हैं C2 में विभवांतर बताना है और संचित ऊर्जा बतानी है। तो सबसे पहले हम यहां से गुजरने वाला आवेश तो निकाल लें, तो Q बराबर क्या होता है, CV। C यहां पर याद रखेंगे तुल्य होता है, तो C तुल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों के तीनों कैसे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 1/C तुल्य जो बनेगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15 बन जाएगा। लघुत्तम हो गया 60, 20 3 60, 30 2 60, 15 6 60, 1/C। तो C की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 60/3 2 5 4 9 बन जाएगा। इसे काटे 3 से, तो 3 2 6 बनेगा, 3 3 9 बजनेगा, 20/3 बन जाएगा, माइक्रो फैरड बन जाएगा, तुल्य धारिता हो गई। तो C की वैल्यू लिख देते हैं 20/3 माइक्रो फैरड, और यहां पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, वोल्टेज है 90, गुणा कराएंगे तो 3 से काट देते हैं, 3 3 9 होता 30 बनेगा, और यहां से क्यों की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो क्यों निकल के आ रहा होगा, 2 2 3 6, ये 6 बन जाएगा, 0 0 माइक्रो कूलाम बनेगा, 600 माइक्रो कूलाम बन जाएगा चार्ज। अब ये 600 माइक्रो कूलाम अगर यहां से जाना शुरू करेगा तो सब में 600 माइक्रो कूलाम जाएगा, तो अगर हम C2 को अलग से बना लेते हैं और उसमें जो कहा है वो निकाल लेते हैं, तो यहां है हमारे पास ये C2 जिसकी धारिता कितनी दे रखी है, वो है 30 माइक्रो फैरड, इसमें आवेश कितना है, तो इस पर आवेश क्यों की वैल्यू कितनी है, 600 माइक्रो कूलाम। तो अगर 600 माइक्रो कूलाम इसमें आवेश है, सी की वैल्यू दे रखी है, विभव पूछा है पहले, तो वी बराबर क्या होता है, वी बराबर अगर हम लिखें तो यहां से लिखा जा सकता है सी डिवाइडेड बाई, यहां पर क्यू डिवाइडेड बाई सी लिखेंगे, या ऐसे लिख लेते हैं क्यू बराबर होता है सी वी, तो यहां से वी की वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाई सी, तो क्यू डिवाइडेड बाई सी हो गया। तो वी इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, 600, 600 बन जाएगा, माइक्रो कूलाम है ये। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 नहीं 30 है, 30 माइक्रो फैरड है, 0 से 0 कैंसिल कराएंगे, 3 से कैंसिल कराएंगे, 3 2 6, देखो 20 वोल्ट निकल के आ रहा है वैल्यू। तो इनके बीच में जो विभव होगा वो कितना निकल के आ रहा होगा, विभव वो निकल के आएगा 20। अब अगर बात की जाए कि आवेश निकल के आ गया, विभव निकल के आ गया, कह रहे हैं संचित ऊर्जा बताओ, तो हम जानते हैं संचित ऊर्जा क्या होती है, हाफ सीवी स्क्वायर होती है। तो सी की वैल्यू कितनी है, 30, 30 का मतलब 10 × 10 की घात, वो 10 की घात -6 लिख देते हैं, और यहां पर वी का स्क्वायर करेंगे तो 20 है विभव, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, इस 2 से काटेंगे, इसे क्या लिखा जाएगा, 2 2 4 200 बन जाएगा, 3 2 6 लिखेंगे तो सीधे सीधे इसे 6 लिख देते हैं, घातें सही कर लेते हैं, यहां पर 1 घात है, यहां पर 2 घात, यहां 6 घात है माइनस की, तो 3 घातें हैं हमारे पास प्लस की और 6 घातें हैं माइनस की, तो ओवरऑल 6 × 10 की घात -3 बन जाएगा जूल ऊर्जा। तो ये हमारा आंसर निकल के आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे हैं दिए गए नेटवर्क में, ये हमें कोई नेटवर्क दे रखा है, ये कोई नेटवर्क दिया गया है, कह रहे हैं परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता, देखा था हम लोगों ने धारिता क्या होती है, सी गुना बढ़ जाती है। चित्र में दिए गए संचित आवेश बताना संधारित्रों पर और विभव बताना हमें, हमने देखा था कि अगर कोई परिपथ दिया होता है संधारित्र का, तो उसमें क्या होगा, संधारित्र में कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा अगर बैटरी जुड़ी होगी, तो धारा प्रवाह कहां से होगा, अगर I धारा यहां चलना शुरू करती है तो I इधर जाएगी और वापस इसमें I चली आएगी, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तो हम यहां से लगा सकते हैं कि अगर ये A पॉइंट है, यहां B पॉइंट है, तो A व B के मध्य जो विभव होगा वही C और D के मध्य विभव आ रहा होगा, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। तो अब हमारे पास ये वैल्यू जो बनी है उसे क्या लिखा जा सकता है कि ये I यहां से यहां जा रही, मतलब इसमें चल रही है I, तो I ओम का नियम लगाएं तो I बराबर हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R, तो 4 5 4 9 9 1 10 बनेगा, धारा कितनी आएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि हमें गणना करनी संधारित्रों पर आवेश की, तो यहां से यहां का विभव निकाल लेते हैं, जो विभव होगा वह यहां का विभव होगा, समांतर में विभव समान होता है, तो यहां से यहां तक का विभव निकाल लें, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका प्रतिरोध, यहां से इन दोनों का प्रतिरोध कितना बनेगा, 9 ओम, और इसमें धारा कितनी जा रही, धारा जा रही 2 एम्पियर,
तो यहां का विभवांतर आएगा 18 वोल्ट्स। तो अगर 18 वोल्ट विभवांतर है तो हम ऐसा कह नहीं सकते, यहां पर हमारे पास सी दे रखा है, यहां पर ऐसा है, यहां पर ऐसा है, और ये है डी। ये 4 माइक्रोफेरड है हमारे पास, ये 6 माइक्रोफेरड है, और इनके बीच में विभवांतर कितने का, तो 18 वोल्ट का विभवांतर है। विभव बांट सकते हैं, फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने संधारित्रों के संयोजन में। तो अगर यहां का विभव V1 है, यहां का विभव V2 है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएंगी V1 और V2 की, सबसे पहले अगर हम V1 लिखें तो V1 बराबर क्या बनेगा, सामने वाली धारिता डिवाइडेड बाय दोनों धारिताओं का योग और कुल लगाया गया विभवांतर। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 6 4 10 बन जाएगी, ये हो गया 10। तो 6 × 18/10। अब अगर इसे हम कैंसिल करवाना चाहें तो कैंसिल करवा लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, और या फिर नहीं करवाना है कैंसिल तो मत करवाएं, इसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं 18, और ये बनेगा तो 8 × 6 = 48 बन जाएगा ये, और 6 × 6 बनेगा, 6 × 4 = 10 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 बनेगा, तो ये कितना आएगा, 10.8 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइक्रो कूलाम ये विभव है, तो इतने वोल्ट में आ जाएगा विभव। और कह रहे हैं दूसरे का विभव बताओ, V2 की वैल्यू, तो हम लिखेंगे सामने वाली धारिता 4, दोनों धारिताओं का योग 4 + 6, लगाया गया विभवांतर 18। तो ये हो जाएगा 18 × 72 डिवाइडेड बाय यहां बन जाएगा 10, तो ये आएगा 7.2 वोल्ट। तो इनके हम विभव इस तरह से निकाल सकते हैं। तो संचित आवेश पूछा था, तो आवेश हम लोग देख सकते हैं कितना आवेश होगा इन पर, तो एक समान आवेश होगा। तो 18 वोल्ट अगर है तो इसमें आवेश अगर हम क्यों की बात करें तो कितना जा रहा होगा, C × V, तो 6 × 6 = 24, यहां पर 24 बनेगा, दोनों का योग करेंगे 10 होगा, तो ये कितना आएगा, 2.4 आएगा माइक्रोफेरड। तो C की वैल्यू 2.4 हो गई, 2.4 हो गई। इनटू में अगर बात करें, यहां पर V लिखा जाएगा तो 18 लिखा जाएगा। अब अगर हम इनको गुणा कराएं तो कितना होगा, 18 × 72 हो जाएगा, 7 बचेगा, और 18 × 36 हो जाएगा, 36 में हम 7 ऐड करेंगे, 7 × 6 = 13 हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा इतने, और ये पॉइंट यहां पर लग जाएगा माइक्रो कूलाम, इतना इस पर चार्ज होगा। तो देखो ये चार्ज आ गया, ये पहला विभव आ गया, ये दूसरा विभव आ गया। तो इस तरह से विभव, चार्ज और दोनों संधारित्रों पर अलग अलग हम आवेश या बता सकते हैं और उनके विभव भी बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफेरड है, के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो उसकी धारिता इतनी हो जाती है, K का मान ज्ञात कीजिए, प्लेटों के बीच की दूरी d है। चलो देखते हैं क्या है। तो इन्होंने कहा है कि वायु संधारित्र है, तो C जो वायु का है वो कितना दे रखा है, 3 माइक्रोफेरड। उनके बीच में कह रहे हैं के परावैद्युतांक तथा 3D/4, तो ऐसे समझ लेते हैं ना, सबसे पहले संधारित्र कुछ ऐसे बना हुआ था, इनके बीच की दूरी क्या थी, d थी, और इसकी धारिता दे रखी थी हमें, इस पर प्लस का क्यों चार्ज था, इस पर माइनस का क्यों चार्ज था, C जो दिया गया था वायु का वो 3 माइक्रोफेरड था। अब दूसरा यहां पर क्या किया गया है, संधारित्र वही है, प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पट्टिका लाई गई जिसका परावैद्युतांक K है, और इसकी मोटाई कितनी है, 3D/4 है, इसकी मोटाई है, थिकनेस T है। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसका सूत्र क्या होता है, क्या होगा सूत्र, तो हमने पढ़ा था C जो निकल के आता है वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T/K होता है। तो C इन्होंने कहा है 6 हो जाता तो सीधे सीधे 6 रख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बन जाएगा डिवाइडेड बाय, हम यहां D लिख देते हैं, माइनस T की वैल्यू कितनी है, 3D/4 है, और यहां पर 3D/4 यहां पर बन जाएगा K, सारी वैल्यू रख दी गई। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां बना 6 = एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, यहां D कॉमन ले सकते हैं, बनेगा 1 − 3/4, और ये वैल्यू बन जाएगी +3/4। तो यहां से ये वैल्यू निकल के आई, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट ए डी, यहां पर 1 − 3/4, 3/4 × यहां बन जाएगा के।
तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बनने वाली है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो वहां से 3 माइक्रोफेरेड, तो इधर 6 माइक्रोफेरेड, इधर 3 माइक्रोफेरेड, बदलने की कोई जरूरत नहीं, इधर 6 दिया गया, इधर 3 दिया गया, 1 माइनस, यहां पर इसे सही कर लेते हैं, 1 माइनस क्या बनेगा 3/4, तो इसे हम 1/4 लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, यहां पर बन जाएगा 3/4 के, 3 से काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, इधर अगर हम इसे लेके जाएंगे तो बन जाएगा 2 इधर, यहां 1/4 प्लस बन जाएगा 3/4 के, और इज इक्वल टू कितना 1 बनेगा, 2 से करा देते हैं मल्टीप्लाई, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या वैल्यू बनने वाली है हमारे पास, ये वैल्यू बन जाएगी 1/2 प्लस यहां बन जाएगा 3/2 के इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहां से 3/2 के इज इक्वल टू लिखा जाए तो 1 है, इधर हाफ आएगा, हाफ बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 3। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे हम इसे, फार्मूला यहां पर लगा है जब आंशिक रूप से परावर्तित पट्टिका रखी गई हो संधारित्र की प्लेटों के मध्य। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफेरेड है, कह रहे हैं इनके बीच की दूरी को 2/3 कर दिया जाए, तो ऐसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं सी का, सी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है जब वायु में रखे गए हो तब का है, तो ये दे रखा है 16 पिकोफेरेड। अब क्या किया गया है, धारिता बदली गई है, धारिता बदली गई है, मान लेते हैं वो धारिता सी है, कहा है प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, तो ठीक है एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और के हो जाएगा, तो के 3 दे रखा है, यहां पर ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू 2d/3 हो जाएगी, 2/3 हो गई, इसे ठीक करें तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी लिख देते हैं, यहां पर कितना बन जाएगा 9/2 बन जाएगा होगा, और ये क्या लिखा गया है, तो सी इज इक्वल टू यहां पर जो लिखा गया है ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी वो किसके बराबर, 16 के बराबर, 16 9/2, 2 से काटेंगे 8, 8 9 72, तो ये वैल्यू बन जाएगी 72 माइक्रोफेरेड, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है इस तरह से हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया है, 4 संधारित्र हैं, उसमें समांतर क्रम में उनको सबसे पहले जोड़ा गया है फिर इनके बारे में बात कर रहे हैं ये, तो 4 संधारित्र हैं, यहां पर हम लोग 4 संधारित्र बना लेते हैं, ऐसे बनाना ना चाहे तो ना बनाए कोई बात नहीं, ऐसा है ये 4 संधारित्र जोड़े गए हैं, ऐसे इनको एक साथ कंबाइन किया गया है, कंबाइन कर लिया गया, इनकी धारिताएं सी सी और सी मान लेते हैं, कह रहे हैं कि 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो यहां पर 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, कह रहे हैं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है 1.5 है, तो 1.5 1.5 1.5 1.5 मिला के कितना बनने वाला है, तो मिला के वैल्यू बन जाएगी 15 × 60, इसका मतलब यहां से कितना आवेश जा रहा होगा 6 माइक्रो कूलाम, ये तो हो गया आवेश, और इनकी तुल्य धारिता निकालें तो देखो 4C बनने वाली है धारिता की, नहीं बनेगी, तो C की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, Q बराबर CV, तो Q कितना है अपने पास 6 माइक्रोफेरेड कूलाम है, C की वैल्यू कितनी है 4C है वो पता है नहीं हमें, वोल्टेज कितना दिया गया 1.5, तो हमारे पास जो 4C की वैल्यू निकल के आएगी वो 6 आ जाएगी डिवाइडेड बाय यहां बनेगा 1.5, ये बन जाएगा 60/15, 15 × 60, 4 बनेगा, तो C की वैल्यू कितनी बनेगी 1 माइक्रो फैरड, तो ये तो पता चल गया कि 1 माइक्रो फैरड इनकी धारिता आएगी अलग अलग संधारित्र की। अब कह रहे हैं उसी संयोजन को क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है उसी बैटरी के साथ, आवेश की गणना करनी है, तो अगर हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ऐसे श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 1 माइक्रोफेरेड है, यहां 1 माइक्रोफेरेड है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड है हमारे पास, ये भी 1 माइक्रोफेरेड है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी बन जाएंगी 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ओवरऑल ये वैल्यू बनेगी 4/1, दैट मीन्स इज इक्वल 1/4 बन जाएगा, ठीक है, तो इनकी तुल्य धारिता जो निकल के आएगी वो बनेगी 1/4 माइक्रोफेरेड, और हम यहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के सम में आवेश तो समान ही जाने वाला है, क्यों, तो क्यू की वैल्यू लिखेंगे तो सी इंटू वी बनेगा, सी यहां इक्विवेलेंट होगा वो बन जाएगा 1/4 इंटू में बनेगा वी, वी कितना लगाया जा रहा, वही बैटरी है तो 1.5 वोल्ट लगा सकते हैं, कितनी बार में चला जाएगा 0.15, तो 4 × 3 = 12 बन जाएगा, 3 बचेगा, 4 × 7 = 28 लिख सकते हैं, और
चार पंचे 20 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आ रही होगी हमारे पास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे हैं 9 माइक्रो फैरेड धारिता वाले तीन संधारित्र हैं, ये बात ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो अगर 9 माइक्रो फैरेड धारिता वाले तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे तो उनका जो तुल्य धारिता निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, सी बाई एन से लिख सकते हैं, तो 9/3 बनेगा, 3 3 9 3 माइक्रो फैरेड बनेगा इसका तुल्य, ये बात अच्छी है। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा डायरेक्ट से, जहां ये देखो आंसर लिखा हुआ 3 माइक्रोफैरड हो गया। फिर क्या होगा, कह रहे हैं यदि समायोजन को 120 वोल्ट के संभारण सप्लाई से जोड़ दिया जाए, संधारित्र प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में क्या होता है, विभव अलग अलग होता है, धारिता समान होने की वजह से क्या होगा, सबके सिरों पर विभव समान समान होगा, लेकिन वो बैटरी के विभव के बराबर नहीं होगा। तो आओ देखते हैं, बना लेते हैं परिपथ को। तो बनाया गया है तीन संधारित्र हैं, 1 2, यहां पर ये 3 बनाया गया है, 9 माइक्रोफैरड 9 माइक्रोफैरड, और ये है 9 माइक्रोफैरड। इनको किससे जोड़ा गया है, तो बैटरी यहां पर जोड़ी गई है, 120 वोल्ट संभारण सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। तो इनका तुल्य निकाला हम लोगों ने, 3 आया है, तो यहां पर इनको हटा करके हम क्या करते हैं, 3 माइक्रोफैरड एज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां से देखने वाला आवेश निकाल सकते हैं, क्यू बराबर क्या आएगा, सी सी हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड इंटू 120 डिग्री 120, तो ये 12 3 36 हो जाएगा, तो 360 आ जाएगा, माइक्रो कूलाम बनेगा, तो इतना आवेश यहां से चलेगा, तो इतना आवेश यहां से जाएगा। इन्होंने ये पूछ रखा है विभवांतर कितना होगा, तो इतना आवेश जाएगा, तो हम जानते हैं विभवांतर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सी इंटू वी से, तो यहां वी इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो क्यू बराबर होता है सी इंटू वी, तो यहां से वी बराबर हो जाएगा क्यू बटा सी। क्यू कितना आ रहा, 360 सब पर जा रहा है, सी की वैल्यू कितनी है, 9 9 चौक 36, ये बन जाएगा 40 वोल्ट। तो अगर इसका 40 वोल्ट होगा तो इसका भी 40, इसका भी 40 निकल के आ रहा होगा, तो सब पर 40 40 वोल्ट विभवांतर होगा, ठीक है। और टोटल विभवांतर कितना दिया गया है, 120, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र है हमारे पास, उसका व्यास दे रखा प्लेटों का, इसका मतलब वो कैसा होगा, तो वो होगा कुछ इस तरह का, ये ऐसा है, ये इसके सामने ऐसा है, इनका व्यास दे रखा है हमें, तो व्यास लिख लेते हैं आर बराबर 8 सेंटीमीटर बाई 2, व्यास त्रिज्या का, त्रिज्या हम आधी लिखेंगे व्यास की, तो 4 सेंटीमीटर आएगा, इसका मतलब -2 मीटर से लिख सकते हैं, क्षेत्रफल यही निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, तो पाई की वैल्यू पाई रख देते हैं, आर स्क्वायर बन जाएगा 16 × 10 की घात -4 4 16 -2 4 बन जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब कह रहे हैं प्लेटों के यदि संधारित की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये सारी बातें कही हैं। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ये बात हो गई, ये किसके बराबर है, तो कह रहे हैं संधारित की धारिता 100 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, तो 100 सेंटीमीटर पृथक है ये, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, त्रिज्या हो गई इसकी ए, वहां ए की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर। कह रहे हैं प्लेटों के बीच की दूरी बताओ, डी बताना है, तो सबसे पहले अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट, 1 मिनट, डी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, यहां बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, हम यहां से वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10 to the power बन जाएगा, या फिर हम इनकी वैल्यू ना रखें यहां पर, अभी इनकी एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल करवा देते हैं दोनों जगह से, तो एप्सिलॉन नॉट अगर दोनों जगह से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ए बनेगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 16 × 10 की घात -4 बना हुआ था, यहां पर बन जाएगा 4 × π × a की वैल्यू 1 मीटर दे रखी, पाई से हो गया पाई कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 बन जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 10 to the power −4 मीटर, और अगर इसे लिखें तो 0.4 मिलीमीटर लिखा जा सकता है एमएम में, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे हैं इस क्वेश्चन में
कि एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो पहले वोल्टेज ये V1 था, ये वोल्टेज V2 था, तो अगर हम ऊर्जा लिखें पहली वाली तो वो बन जाएगी हाफ सी 10×10^घात माइनस का बन जाएगा 6, वी का स्क्वायर 10^2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 10^4 बनेगा। यू फाइनल देखेंगे तो कितना बनेगा, हाफ सी तो बदला नहीं है, 10^ माइनस 6 हो जाएगा, वी का स्क्वायर करेंगे तो 2×10^2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इनका अंतर निकालें ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू, तो कितना निकल के आएगा, तो डेल्टा यू यहां से पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखेंगे क्या अंतर बनेगा। तो यहां से वैल्यू बनी 10^ माइनस 6 बन जाएगा 4, तो माइनस का 2 बनेगा, तो ये बना 10^ माइनस का 2, और यहां पर 10/2 तो बन जाएगा 5, ये इतना जूल निकल के आएगा। इसकी वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू यहां पर 10 तो ये 5 निकल के आएगा, 5 चौकी हो जाएगा 20, क्योंकि यहां से 4 निकल के जाएगा, यहां पर बनेगा 5, 5 चौक 20 हो गया, और ये बनेगा 10^-4, और ये तो बन जाएगा -2, ये इतना जूल बन गया। तो पहले ऊर्जा थी 5×10^-2, अब हो गई 20×10^-2, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 15×10^-2 जूल, ठीक है, ये जूल निकल के आ रहा होगा आंसर हमारे पास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दे रखी है, कितनी है, वो दे रखी 100 माइक्रोफैरड, 40 वोल्ट तक आवेशित किया गया, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो उसका नया विभवांतर और संचित ऊर्जा बतानी है। सबसे पहला काम हम लगाएंगे सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, इसमें धारिता कितनी दे रखी है 100 माइक्रोफैरड, माइनस से हो गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट लिखा रहने देते हैं, ए दिया नहीं गया है तो ए भी लिखा रहने देते हैं, डी, ये निकल के आ रहा हमारे पास ऐसा पहला। अब आगे पढ़ लो, आगे क्या लिखा है, 40 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, 40 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, कह रहे हैं दूरी को आधा कर दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दूरी को आधा करते, मान लेते नई धारिता सी डैश हो गई, तो सी डैश बराबर निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, दूरी आधी की 2, तो यहां हो जाएगा 2×2 सी बनेगा टोटल, देखो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय सी, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10^, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस का 2 है, -4 दे रखा है, -4 हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी माइक्रो फैरड में, यहां पर हम लोगों ने इसे लिख दिया है तो ये फैरड हो गया, इतनी वैल्यू सी डैश की आई। कह रहे हैं उसका नया विभवांतर बताना, पहले का विभवांतर यहां पर देख सकते हैं, तो यहां देखेंगे हम कि जो विभवांतर वोल्ट लगाया गया है वो 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया था, तो 400 वोल्ट तक अगर आवेशित कर रहे होंगे तो उसके सापेक्ष में ये लिख सकते हैं ये सी की वैल्यू थी, और क्यू बराबर कितना होता है, सीवी होता है ना, क्यू बराबर सीवी, तो 400 वोल्ट का विभवांतर था, 400 वोल्ट के विभवांतर के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये 400 है, और उसकी धारिता कितनी लिखी गई थी, तो धारिता लिखी गई थी यहां पर सी की वैल्यू है, यहां देखो लिखा है 10^-4, तो 10^ ये -4 बना, ये तो क्यू की वैल्यू निकल के आएगी, तो ये बन जाएगा 4×10^-2 कूलाम। इसको हम यहां पर नियत मान के चलें तो क्यू की वैल्यू अभी भी कितनी है, 4×10^-2 कूलाम, तो अगर 4×10^-2 कूलाम यहां पर मान है ये आवेश का, तो इसके सापेक्ष क्या हो रहा होगा, कह रहे नया विभवांतर बताओ और नया जो ऊर्जा संचय हो, ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो बताओ, परिवर्तन यहां लिख लेंगे, पहले हम बता देते हैं उस पर विभवांतर कितना होगा, तो V की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, तो Q/C से लिख सकते हैं, तो Q जो पहले था वो अभी भी है -2 के साथ, C की वैल्यू कितनी हो गई है 2×10^-4, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन के आएगी, यहां 2 घात, यहां 3 ऊपर जाएंगे, प्लस की 2 घातें बनेंगी, 2 घातों का मतलब 400, 400 का आधा कितना बनेगा 200, ये 200 वोल्ट हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो संचित ऊर्जा पहले कितनी थी, तो यू आई के बारे में अगर बात करें हम तो बन जाएगा हाफ सी, पहले कितना दिया गया था 10^-4×V², तो वी पहले था कितना दिया गया था 400 वोल्ट, 400 वोल्ट का मतलब हो जाएगा 16×10^4, क्या लिख सकते हैं, 4×10^2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर करेंगे ऐसा आएगा, इससे कैंसिल कराएंगे तो बन जाएगा 8, 16 का आधा 8, ये बनेगा, ये कुछ बनेगा ही नहीं, सीधे सीधे 8 ये जूल बन जाएगा। बाद की ऊर्जा के बारे में बात करें यू फाइनल, तो यू फाइनल हो जाएगा हाफ
सी कितना बन गया, 2 × 10 की घात कितना बन गया आपकी बार, -4 बन गया। वी का स्क्वायर देखें तो 200 है, तो 200 का मतलब है 2, और 2 का वर्ग कर देंगे तो बन जाएगा 4, और 10 की घात 2 का मतलब 10 की घात 4 से है, तो ये घातें तो हो गई यहां से कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 4 × 8/2, 8/2 का आधा होता है 4 जूल। तो यहां पर जो परिवर्तन निकल के आ रहा होगा, पहले था 8 जूल, अब हो गया 4 जूल, तो डेल्टा यू जो निकलेगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आ रहा होगा हमारे पास 4 जूल, 8 जूल − 4 जूल मतलब बराबर 4 जूल निकल के आएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करना है। यहां पर व्हीट स्टोन सेतु का जो हम लोगों ने बात की थी, व्हीट स्टोन ब्रिज, उसका कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।